देखिए बच्चों, हिंदी निबंध में जो आपका पहला निबंध हुआ था वैष्णवता भारतवर्ष, और उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय है उनके बारे में। अब दूसरा निबंध आपका है प्रताप नारायण मिश्र जी का, थोड़ा सा परिचय इनका निबंध है, इसमें है इनकम टैक्स। और फिर हम इसमें इनको बताते हैं इनका इनकम टैक्स जो निबंध है इनके बारे में। पहले थोड़ा सा जीवन परिचय हो जाए प्रताप नारायण मिश्र का, जीवन परिचय उनके बारे में, थोड़ी सी उनकी कृतियाँ, उनकी रचनाएं और जो उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है, इसका परिचय थोड़ा सा आपको बता दिया जाए। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 24 सितंबर, जैसा कि स्थान पर पर्याप्त मतभेद है सबका, सभी कवियों का अपना अपना भेद, दोनों ने बताया है कि इनका जो जन्म है 24 सितंबर 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बैजे गांव में हुआ था। ये कायात्यान गोत्री ओम कानिकुंज ब्राह्मण पंडित संकटादीन के पुत्र थे। पिता युवावस्था में ही कानपुर में आकर बस गए, क्योंकि मतलब अगर जॉब करते हैं तो फिर उस शहर में बस जाते, तो इनके जो पिताजी थे वो कानपुर में आके बस गए। और इन्होंने अपनी वो एक ज्योतिषी के रूप में अपने जीविका चलाते थे। मिश्र जी अक्षारंभ के पश्चात अपने पिता से ही ज्योतिष पढ़ने रहे, किंतु उधर रुचि न होने से पिता ने इन्हें अंग्रेजी पाठशाला में भर्ती करा दिया। तब से कई स्कूलों का चक्कर लगाने पर भी वह पिता की लालसा के विपरीत पढ़ाई लिखाई में विरत ही रहे। और पिता की मृत्यु के पश्चात 18-19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है स्कूली शिक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया। इस प्रकार मिश्र जी की शिक्षा अधूरी ही रह गई, किंतु उन्होंने प्रतिभा और स्वाध्याय के बल पर अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली। वे हिंदी, उर्दू और बंगला तो अच्छी जानते ही थे, उसके साथ फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत उनकी अच्छी गति थी। जैसा कि हर पिता चाहता है कि हमारा पुत्र क्या है थोड़ा सा पढ़ के उनके इच्छा अनुसार क्या बने, क्योंकि माता पिता का सपना कुछ और होता है, बच्चा कहीं और जाता है। आपने अक्सर देखा होगा और अनुभव किया होगा कि माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा ये बन जाए, वो बन जाए, या फिर मतलब उस तरीके से अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो ज़रूरी नहीं कि उसकी लगन उसी में है, उसकी लगन कहीं और भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी है, प्रतिभा अलग अलग क्षेत्र में होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी के मन मुताबिक वैसा ही बिल्कुल उधार लेना बहुत कम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग था। जैसे कि इनके पिताजी चाहते थे कि ये थोड़ा सा मतलब ये ज्योतिष में या फिर किसी में इनको इंग्लिश मीडियम का स्कूल में डालते हैं कि अच्छे पढ़ लिख के और उसमें मतलब संलग्न रहें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये अपनी शिक्षा दीक्षा, उनके मृत्यु के उपरांत इनकी शिक्षा समाप्त हो गई, ये घर पर ही स्वाध्याय करने लगे, पढ़ने लगे, और इनको कई भाषाओं का भी ज्ञान था। और प्रताप नारायण मिश्र छात्रावस्था में ही कविवचन सुधा के गद्य पद्य में लेखों का नियमित पाठ करते थे। कविवचन सुधा आपने सुना होगा, कविवचन सुधा का जो लेख था उसको पढ़ते थे, जिससे हिंदी के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हुआ। और लावनों गायकी की टोली में आंसू रचना करने तथा ललित जी की रामलीला में अभिनय करते हुए उनके काव्य रचना की शिक्षा ग्रहण करने से एवं स्वयं मौलिक रचना का अभ्यास करने लगे। इसी बीच वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आ गए, और मतलब इसी मतलब घूम फिर के वो साहित्यिक भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आ गए, और वहीं से उनका आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन पाकर वे हिंदी गद्य तथा पद्य रचना करने लगे। 1882 के आसपास प्रेम पुष्पांजलि प्रकाशित हुई और भारतेंदु जी ने उनकी प्रशंसा की तो प्रताप नारायण मिश्र का उत्साह बहुत बढ़ गया। अब 15 मार्च 1883 को ठीक होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाला। आपने देखा कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मतलब ब्राह्मण भारत कविवचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, जिसके संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवचन सुधा के, और जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक कौन है, आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में है कि इन्होंने मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रोत्साहन से आगे बढ़े और साहित्यिक योगदान किया। इन्होंने जैसे कभी किसी का प्रोत्साहन मिलने से ही हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, जागृत हो जाती है। जैसा कि इन्होंने अपने गुरु मतलब इनको माना भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और ये अपने रूप रंग में ही नहीं विषय और भाषा शैली की दृष्टि से भी भारतेंदु युग का विलक्षण पत्र था। सजीवता, सादगी, बांगपन और फक्कड़पन के कारण भारतेंदुकालीन साहित्यकारों में जो स्थान भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र का था, वही तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता में इस पत्र का था। किंतु यह कभी नियत समय पर नहीं निकलता था, 2-3 बार तो इसके बंद होने पर की नौबत आ गई थी, लेकिन इसका कारण मिश्र जी के व्याध मंदिर शरीर पर था भाव था। किंतु रामदीन सिंह आदि की सहायता से किसी न किसी प्रकार संपादक के जीवन का काल यह निकलता रहा, और उनकी मृत्यु के बाद भी रामदीन सिंह ने संपादक में कई वर्षों तक निकाला, परंतु पहले जैसा आकर्षण वे इसमें नहीं ला पाए थे।
जैसा कि देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र 25 रुपया मासिक के वेतन पर हिंदी स्थान के सहायक संपादक होकर काला कांकर आए थे। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय उनके संपादक थे। यहाँ बाल मुकुंद गुप्त ने मिश्र जी से हिंदी सीखी। मदन मोहन मालवीय के हटने पर मिश्र जी ने अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण वहाँ टिक न सके और काला कांकर से लौटने के बाद वह प्रायः रुग्ण रहने लगे। फिर भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों में पूर्वत रुचि लेते हुए ब्राह्मण के लिए लेख आदि प्रस्तुत करते रहे और 1891 में उन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की और कांग्रेस के कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत धर्ममंडल, धर्म सभा, गोरक्षणी सभा और अन्य सभा समितियों के सक्रिय कार्यकर्ता और सहायक बने रहे। कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गोरक्षणी समितियों की स्थापना प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने प्रयत्नों से की थी। जैसा कि इनका योगदान था साहित्य में, कैसा योगदान था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से इन्होंने मतलब प्रेरणा ली, प्रेरणात्मक इनका योगदान था। इनकी जो रचनाएं थी, जैसा कि आपने देखा काव्य में है, काव्य रचनाएं थी कानपुर महात्मा त्रिप्यंताम, तारापति, पचीसी, दंगल खंड, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पांजलि, वैंडला, स्वागत, मन की लहर, होली है, ये इनकी थी काव्य कृतियाँ। और नाट्य साहित्य में देखिए कली कौतुक, जुआरी खुआरी, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, दूध का दूध, पानी का पानी। और इसमें निबंध में है प्रताप नारायण ग्रंथावली भाग एक में इनके 200 निबंध संग्रहित हैं। और आत्मकथा इन्होंने लिखी है प्रताप चरित्र जो अपूर्ण रह गया था। और उपन्यास है अमर सिंह इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी, उंगला गुली, राज सिंह, राजधा रानी। और कहानी है कथा बाल संगीत, गीत कथा माल। और संग्रहित रचनाओं में है मानस विनोद पर जो पद्य में है, रसकान चरित शतक जो इन्होंने लिखा है वो भी पद्य है, रहीम शतक वो भी पद्य है, और सती चरित्र जो लिखा है वो गद्य में है। ठीक है, ये हो गई इनकी रचनाएं, इनका काव्यगत सौंदर्य क्या था, इन्होंने क्या लिखा था। अब इनका थोड़ा सा ये जो जिनका इनका निबंध है इनकम टैक्स, इसका थोड़ा सा परिचय अगर कर लिया जाए तो इनकम टैक्स में इन मिश्र जी ने तो मौलिक लेख निबंध समालोचनाएँ लिखी जो कि ब्राह्मण के अंकों में तत्व दिखाई देती है। बाद में इन्होंने निबंध नवनीत भी लिखा। विषय की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की दो कोटियाँ थी, एक गंभीरपूर्ण और दूसरी गंभीर रहित हास्य, व्यंग्य और चुलबुलेपन को लिए हुए। निबंध छोटे छोटे विषयों पर अधिक लिखे गए, जैसे बात, वृद्ध, धोखा, दांत, आप, माँ, हाँ, जवानी सी मूर्ति, ऐसा इन्होंने अक्सर लिखा है, दांत, मुंह, भौं, इस चीज़ पर लिखा है। और इन्होंने जो वर्णात्मक निबंध लिखा है, गंगा जी बेगार, देशोन्नति, जातीय भंडार और ग्रामों के साथ हमारा कर्तव्य आदि। प्रताप नारायण मिश्र ने एक बड़ी संख्या में हास्य व्यंग परक भी निबंध लिखे हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के नाम है धोखा, मृक्ष, समझदार की मौत, ट होली है, खुशामद, तिल, छः छः आदि। मतलब इन्होंने जो लिखा है निबंध वो कैसा था कि हास्य व्यंग परक निबंध था। जैसा कि हमने निबंध की विशेषताएँ और उसका भेद बताया कि क्या कौन प्रकार के हैं, अनुदित कहानी कथा माला लिखा था, बाल गंगा सहित उपन्यास था, बंकिमचंद चट्टोपाध्याय के साथ बंगला उपन्यासों के हिंदी उपन्यास, राज सिंह, युगला गुली, इंदिरा, राजधा रानी, कपाल कुंडला, अमर सिंह, देवी चौधरानी, ये क्या था इनका उपन्यास था। और इतिहास इन्होंने सूबे बंगाल का इतिहास लिखा है, सेन राजवंश का इतिहास लिखा है और त्रिपुरा का इतिहास लिखा है। ठीक है, इतना इनका हो गया परिचय और इनकी रचनाएँ प्रताप नारायण मिश्र का। और अब है इनकी जो इन्होंने जो निबंध लिखा है उसके बारे में वर्णन करेंगे, इनकम टैक्स। अब देखिए इसमें प्रताप नारायण मिश्र का जो अभी तो हम लोगों ने उनका परिचय जाना, आप इसमें आज पढ़ेंगे इनका निबंध जो आपके सिलेबस में है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को आप जानते होंगे कि जो आयकर, जिसको आयकर कहते हैं हिंदी में, और आप देखेंगे तो हिंदी में इसमें कवि ने कहा है कि इसका सही अर्थ होगा आमदनी पर महसूल, आमदनी पर महसूल। ठीक, अब आमदनी पर महसूल में महसूल होगा, सॉरी थोड़ा सा महसूल, आमदनी पर महसूल। ठीक है, अब इसमें देखिए आय की वृद्धि देखी गई है, कवि ने इसमें दिखाया है कि क्या है रचनाकार की आयकर वृद्धि, हाँ,
मशहूर। अब इसमें है कि दिखाया गया कि न तो न जाने हमारी सरकार ने हम लोगों को किस प्रकार क्या कहना चाह। इसमें प्रताप नारायण मिश्र ने देखिए इनकम टैक्स को दिखाया कि आयकर, जैसे एक होता नहीं कि प्रत्यक्ष कर होता है एक अप्रत्यक्ष कर, एक सामने रूप से आपसे कर लिया जाता है प्रत्यक्ष कर, आय एवं संपत्ति पर लगाने वाला कर और जो व्यक्ति पर लगता है, और ये होता है कि अप्रत्यक्ष कर, मतलब जिसको देखा नहीं जाता उसको वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। लेकिन इसमें देखिए सरकार ने हम लोगों को किस आय की वृद्धि देखी है, जो यह दुखद कर बांधा है। पुराने लोगों में सुनते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान, पर इस काल में यह कथा कहावत जो हो गई है पूर्ण रूप से उलट गई है। खेती की दशा पर तो हमें कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो चाहे देहात में जाके देख ले। बेचारे कृषकारों के बारहों मास दिन रात के कठिन परिश्रम करने और नींद नारी भोजन परिहरई का ठीक नमूना बनने का भी पेट भरना कठिन हो रहा है। क्या जाने किस भविष्यत ज्ञानी कवि ने आजकल की दशा पहले से सोच के मध्य और विषपान करने के बराबर ही हल ग्रह को त्याज समझा है, हला हल हला हलम लिखा हो। जैसे उसके उत्तर के व्यापार समझा जाता है, जो कुछ कहना ही नहीं है। हर शहर के प्रत्येक रोजगारी की दशा को हम यूँ ही नहीं समझा सकते जब तक कि न्याय की दृष्टि से स्वयं कुछ दिन किसी बाजार का वह गुप्त रूप न देखें। हम जितनी बड़ी बड़ी दुकानें देखते हैं सभी भाएँ भाएँ होती हैं। जिन्होंने हजारों रुपये अटका दिया है उनको ब्याज भी कठिन हो रहा है, दिवाले निकलना खेल सा हो गया है। अमीर कहाते हैं वे भी फिर सैकड़ा दो दिन से अधिक न होंगे। जिन्हें रोजगार पेटे से कुछ मिल रहता है नहीं तो केवल पूर्व संचित द्रव्य ही पुरानी साख बांध बैठे हैं। ऐसा कोई कार ही नहीं जो सरकार से निज हस्तगत न कर लिया गया हो। इस हालात में बेचारे छुटभैये लाइसेंस और चुंगी के डर से पहले तो कुछ कर ही नहीं सकते, और यदि कुछ करें तो तीन खाते हैं तेरह की भूख बनी रहती है। ऐसा अगर होता है इस समय, कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो रचनाकार है यही कहना चाहता है कि इसमें जो आप देखेंगे कि पहले जो था अब तो आयकर हो गया। सरकार ने जिस आय की वृद्धि को देखी है उससे मतलब ये कर बांध दिया है, जो पुराने लोगों में तो लेकिन सुनते थे पुराने लोग की कहा थे कि उत्तम खेती मध्यम बान और अधम चाकरी भीख निदान, कहते हैं कि ऐसा था लेकिन ये ठीक उल्टा अब हो गया है। अब तो सारी जगह क्या है कि हमारा कानपुर जो अब से 10 वर्ष पहले था अब नहीं रहा। यह तो रोज़ सुन लीजिए कि आज फलाने बिगड़ गए, पर यह सुनने को हम मुद्दत से तरसते हैं कि हम साल फलाने हम इस काम में बन बैठे। जब आमदनी के इन उत्तम और मध्यम मार्गों की यह दशा है तो सेवा वृत्तियों का कहना ही क्या। सैकड़ों पढ़े लिखे मारे मारे फिरते हैं, बिना सिफारिश कोई सेत भी नहीं पूछता। कुछ मिडिल क्लास की पंख कुछ बेकदरी के बायस से बेचारे बाबू लोग महंगी कैसे मजदूर उतराते फिरते हैं। कहाँ ढूंढो तो मुश्किल से मिलें, नाच वाच के लिए विश्वा बड़े नखरे से आवें, पर हमारे जो एलाइडेंट भाई से झूठ मुँह से कह दे कि फलानी जगह एक हेड की ज़रूरत है, बस एक के बदले 50 चुगा फलकारते मुरैठा संभालते मौजूद हैं। अगले लोग जिन नौकरी की निष्कृष्ट वृत्ति और शूद्र का काम समझते थे उसकी लालसा बड़े बड़े वाजपेयी ऐसे रखते जैसे मतवाले भाई मुक्ति की न रखते होंगे। यह वह नौकरी जिनको महादेव जी की दया से मिल भी गई है उनको बबुआई की ठसक मारे डालती है। सुनते हैं आगे 4 रुपया महीने का नौकर अपने कुटुंब के सिवा 2-4 और आश्रितों का भरण पोषण कर लेता है, पर हमको उसका निश्चय क्यों न हो कर हो। जब देखते हैं कि 100-200 के नौकर भी राम झूठ न बुलावे, 100 पीछे 75 तो अवश्य ऐसे होंगे जिनको हजरत गालिब का यह वाक्य अनुभूत सिद्धांत है कि बस की लेता हूँ हर महीने कर्ज और रहती है सूद की तकरार, मेरी तनख्वाह में तिहाई का हो गया है शरीक शाहूकार। देखिए अब होता रहा है कि जितने काम नहीं उतने जितनी कमाई नहीं उससे ज़्यादा खर्च है, उसके हिसाब से कहते हैं कि वो कवि यहाँ पे कहता है कि तो भी धन्यवाद है कि खतिहारों और लालों की फिर भी बाबूजी बाबू को कहते हैं। हाँ प्रोहत बाधा पंडा और गयावल इत्यादि की दशा कुछ अच्छी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बेमेहनत घर बैठे लक्ष्मी आती है और हमारी उपयुक्त लोकोक्ति को मतलब ठीक होती है कि उत्तम भिक्षावृत्ति है फिर बबुआई जान, अधम बनिज व्यापार है खेती खोटी निदान। खेती के लिए कहते हैं उसमें मेहनत लगती है फिर भी उतनी उपज नहीं होती, जिसका वर्णन इसमें कवि कहते हैं कि बबुआई मतलब कि होता है कि ज़्यादा मतलब वो पढ़ लिख लेते हैं या जो भी हो उसमें, पर नहीं जब भी विचार होता है कृषक व्यापारी अथवा सेवकों की यही गति रही तो कहाँ से किसी
को कुछ भी दे सकेंगे। बस अब हमारा यह सिद्धांत सत्य होने से किसी को कुछ संदेह न होगा कि जितना दरिद्र मुसलमानों के 700 वर्ष के प्रचंड शासन द्वारा न फैला था, उतना बरंच उससे अत्यधिक अब नीतिमय राज्य में विस्तृत है। अब बतलाओ पाठकगण, इनकम टैक्स कोशस्त अर्थ ठीक है वा या नहीं? नहीं अथवा अर्थ यूँ न लगेगा, जैसे अंग्रेजी व्याकरण खोले तो उसमें लिखा है कि इन अन और डिस, किसी शब्द में प्रथम जोड़ दो तो उल्टा अर्थ हो जाता है। जैसे डायरेक्ट, डायरेक्ट सीधा है, और इनडायरेक्ट क्या हो गया? जो सीधा ना हो। नोन ज्ञात होगा, अनोन होता है अज्ञात। माउंट माने होता है चढ़ना, और डिसमाउंट माने होता है उतरना। इस रीति से इन इन अर्थात नहीं है, कम हो गया आना और इन लग गया तो इनकम। हाँ, आमद टैक्स कर भावार्थ यह हुआ कि जिस हालत में आमदनी न हो उससे जो टैक्स लगे वह हो गया इनकम टैक्स। मतलब क्या हुआ? जिस हालत में आमदनी न हो, आमदनी नहीं हो रही है, और उसमें जो टैक्स लगे वह हो गया इनकम टैक्स है। इस पर यदि हमारे अंग्रेजी जानने वाले पाठक यह कहें कि उटपटांग अर्थ किया है क्या है, और केवल नागरी नागर समझे कि अन्य भाषा का अर्थ असमृद्ध है, हिंदी पत्र में क्यों लिखा, तो उनको यूँ समझना चाहिए कि हमारी सरकार को ब्रह्मदेश की आमदनी अनायास हाथ लगी है। इनकी खुशी में हम पर यह टैक्स बहुत खुश हुए, तो ईट फेंक मारी न्यायन लगाया गया है। कुछ हो हम समझे व न समझे, पर सरकार की किसी बात में रोना चिल्लाना व तर्क करना योग्य नहीं। केवल डेफरेंचा बलियसी कहके संतोष करना था, पर क्या करें, संपादक धर्म तो परम कठिन है। इसमें बिना कुछ कहे उमंग की हत्या होती है। इससे कोई सुने न सुने पर हम हाथ जोड़ के, पाए पढ़ के, दांत दिखा के, पेट खला के यही विनय करते हैं कि अस्तु हुआ सो हुआ, हमें क्या। जब जहां और सब प्रकार के राजदंड है वहां यह भी सही, वरंच और हो परमेश्वर न करे तो वह भी सही, पर इसकी तस्खीस जांच जरा न्यायालय न्यायालीस पुरुषों न्यायशील पुरुषों को सौंपी जाए तो भी बड़ी दया हो। हमने कई विश्वस्त लोगों से सुना है कि देहात में बिचारों की वार्षिक आय 500 से भी नहीं है, उनको केवल उजले कपड़ों के कारण 5,000 का पुरुष तजबीज करते हैं। यदि यही दशा रही तो भारत के गारत में कोई संदेह न होगा, हमारी सरकार स्वयं विचार देखे कि हम वह नहीं रहे। कहीं ऐसा भी होता है कि मतलब ड्रेस तो है कि बाबू वाला, लेकिन जो उनका इनकम होता है, जो आय स्रोत होता है, वो क्या होता है? बहुत कम होता है। इसमें प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने देखिए इसमें इनकम टैक्स के बारे में तो बताया ही है, थोड़ी सी जो उनकी शैली थी, उन्होंने कैसा वर्णन किया था, इस शैली का वर्णन किया था, आप देखेंगे कि विचारात्मक शैली या मतलब इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली भाषा का कैसा वर्णन किया था। तो देखिए खड़ी इन्होंने इस शैली में मिश्र जी ने अपने हाथ से व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे हैं। ये शैली जो प्रतिभा सर्वथा है, हास्य विनोद प्रिय व्यक्ति थे, अतः प्रत्येक विषय का प्रतिपादन हास्य विनोद ढंग से करते थे, और इनके अनुसार व्यंग्य कहीं कहीं बड़ा तीखा मार्मिक हो गया था। इस शैली में भाषा सरल सरस प्रभावमयी थी। इसमें उर्दू फारसी अंग्रेजी और ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लोकप्रिय मुहावरों के भी कारण यह दिया है। जैसे देखा जाए तो इनकी भाषा जो है खड़ी बोली के रूप में प्रचलित जनभाषा का प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र ने अपने साहित्य में किया। प्रचलित मुहावरों का तो और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है। और भाषा की दृष्टि से मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद का ही अनुसरण किया और जनसाधारण भाषा को ही अपनाया, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा भारतेंदु जी को ही माना और उनके अनुसार ही, उनके प्रोत्साहन से ही इन्होंने रचनाएँ लिखी। और इनके बारे में उन्होंने कहा कि भारतेंदु जी ने समान ही मिश्र जी की भाषा कृत्रिमता से दूर है, वह स्वाभाविक रूप से पंडितावपन और पूर्वीपन अधिक है। आप देखेंगे जैसे कि आपके में निबंध आया इनका इनकम टैक्स, जिसमें इनकी भाषा का थोड़ा सा असर देखेंगे कि इनकी जो भाषा है उसमें थोड़ा सा पंडितावपन दिखाई देगा कि ये कैसे बोलते थे। पूर्वीपन भी है, इसमें ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, स्वच्छंदता पूर्वक हुआ है, और संस्कृत अरबी
फारसी, उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों को भी ग्रहण किया है। भाषा विषय के अनुकूल हो गंभीर विषयों पर लिखने समय और गंभीर हो गए हैं। कहावतों और मुहावरों के प्रयोग से मिश्र जी बड़े कुशल हैं। मुहावरों का जितना सुंदर प्रयोग उन्होंने किया वैसा बहुत कम लेखकों ने किया। कहीं कहीं तो उन्होंने मुहावरों की झड़ी सी लगा दी है। अब देखिए इसमें इन्होंने जो इनकम टैक्स वाला जो लिखा है इसमें इनका जो वर्णन इन्होंने किया है तो इसमें कहा है कि ये अधम वणिज व्यापार है, खेती खोटी निदानी में पर नहीं। यह जब विचार करता है कि कृषक व्यापारी अथवा सेवक की यही अग्रगति रही तो कहाँ से कुछ ही को किसी को कुछ दे सकेंगे। बस अब हमारा यह सिद्धांत सत्य होने से किसी को कुछ संदेह न होगा कि जितना दरिद्र मुसलमानों के 700 वर्षों के प्रचंड शासन द्वारा न फैला था उतना वरंच उससे अधिक इस राज्य में विस्तृत हो गया। जितनी गरीबी तब नहीं थी जब मुसलमान मुगलों का राज्य था उस समय जितनी गरीबी नहीं थी, जितनी गरीबी अब आ रही है जब हम इनका टैक्स ऑफिसर अपने सरकार को मतलब कभी बताना चाह रहा है, रचनाकार बता रहे हैं कि उस समय ऐसा ही ऐसा लग रहा है। यदि देखा जाए तो जिस साल में आमदनी न हो उसमें जो टैक्स लगे वह होता है इनकम टैक्स है। इस पर यदि हमारे अंग्रेजी जानने वाले पाठक क्या कहे कि उत्पटांग अर्थ क्या है, मतलब इसका थोड़ा सा अलग है। और अब देखिएगा इनकम टैक्स का प्रत्यक्ष कर हो गया एक अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर है आय एवं संपत्ति पर लगने वाला कर होता है और वस्तु एवं सेवा पर जो लगता है कर उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर करते हैं। अब इसमें इन्होंने यही बताया कवि ने कि किस तरीके से हम मतलब आमदनी का मस्कूल नंदाने सरकार ने हम लोगों की किस आय की वृद्धि को देखा है। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज़ का मतलब वर्णन करते हैं कि इनकम किस तरीके से हमारी कम है फिर भी उसका टैक्स या देना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र जो इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, एक ब्राह्मण एक रसिक समाज की स्थापना की थी जो कानपुर से थी और इनकी रचना थी कली कौतुक के। रचनाकार कौन है तो प्रताप नारायण मिश्र। और देखा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र ने इनकम टैक्स निबंध में किसकी दशा को दयनीय बताया है। अगर इस इनकम टैक्स में अगर दयनीय दशा किसकी है तो किसकी दयनीय दशा इसमें अगर कवि ने बताना चाहे तो कृषि की, कृषि खेती की दयनीय दशा बताए हैं कि जिनका कोई भी मतलब इसी की दशा ठीक नहीं है कि उसमें जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा मतलब करना पड़ता है, उससे ज़्यादा मतलब हम लोग का खर्च करना पड़ता है इसमें बताते हैं। ठीक है ना।